तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉल फॉरवर्डिंग कोड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग चेक करना चाहते हैं कि आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग लगी है या नहीं, तो वो कोड हम आपको बताएंगे कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग लगी है या नहीं है, या फिर आप किसी भी नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, या फिर आप कॉल फॉरवर्डिंग लगी है तो उसको कैसे डीएक्टिवेट करेंगे, वो सारे कोड जो है आज आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, अपने डायल पैड में चले जाना है। डायल पैड में आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है, जैसे कि किसी भी नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग लगाना है तो कैसे लगाएंगे, आपको डायल करना है *21*। इसके बाद जो है आपको वो नंबर डालना है जिस नंबर पर आप इस नंबर की कॉल जो है उस नंबर पर मंगाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक नंबर डाल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया। इसके बाद हैच को डायल कर देते हैं और इसको डायल कर देते हैं, इसको कॉल कर देते हैं जिस सिम से आप करना चाहते हैं। ये देखिए, अभी आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन वेज सक्सेसफुल। आप ऊपर की साइड में यहाँ पर अभी आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो है एक कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन बन के आ गया कि इस नंबर पर जो है कॉल फॉरवर्डिंग लग चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं कि अगर आपको चेक करना है कि आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग लगी है तो कैसे चेक करेंगे। आपको डायल करना है *H21#, इसको कॉल कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख के आ गया कि आपकी इस कॉल इस नंबर पर जो है कॉल फॉरवर्डिंग लगी है। तो दोस्तों चलिए, अब हमको इसको करना क्या है, डीएक्टिवेट करना है। तो डीएक्टिवेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, *H21#। दोस्तों ये कोड आपको डायल कर देना है और डायल करने के बाद आपको कॉल कर देनी है। ये देखिए, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग, वहाँ पर आप ऊपर की साइड में देखेंगे यहाँ पर वो ऑप्शन भी हट गया है कि अब यहाँ पर जो है आपकी कॉल फॉरवर्डिंग नहीं लगी है। तो ये बहुत ही आसानी से आप किसी भी नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।